टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन डिजीज ऑफ सिल्क वर्म कॉज्ड बाय फंजाई, जबकि ये एक्चुअल में प्रोटोजोन के द्वारा भी हम लोगों ने देखा है, तो ये थोड़ा सा अपना हिसाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डिसअपीयर्स एट द टाइम ऑफ इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस, ये पीजीटी बायोलॉजी 2019 में क्वेश्चन आया है, यूपी के पीजीटी बायोलॉजी में, ध्यान रखिएगा। तो उसमें से कौन सा हार्मोन है, तो जुवेनिल हार्मोन है, कौन सा है, जुवेनिल हार्मोन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट डज नॉट बिलोंग टू द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, इनमें से कौन सा लेपिडोप्टेरा को बिलोंग नहीं करता है इन चारों में से, तो इनमें से ए नंबर है जो लाक इंसेक्ट है वो बिलोंग नहीं करता है। लाक इंसेक्ट बिलोंग टू द ऑर्डर हेमिप्टेरा, किसको बिलोंग करता है, हेमिप्टेरा को बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम टेकन इज बिकमिंग एडल्ट बाय क्वीन वर्कन एंड ड्रोन आर ऑफ एपिस इंडिका रिस्पेक्टिवलीज, ये क्वेश्चन आपका लगभग हमें लगता 2013 के पीजीटी में भी आया है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो कितना समय लगता है, तो 16, 21, 24, 16 क्वीन वर्कर के लिए 16 दिन, सॉरी एडल्ट बाय क्वीन 16 दिन, वर्कर के लिए 21 दिन और ड्रोन के लिए 24 दिन, ध्यान रखिएगा। 16, 21, 24 पहले आएगा क्वीन, फिर वर्कर और फिर ड्रोन, 16, 21, 24 बढ़ते हुए क्रम में। इन 24 आवर्स द फिल्ट्रेट इन ह्यूमन किडनी इज अप्रोक्सीमेटली, 24 घंटे में, ये देखिए अलग से क्वेश्चन एक ऐड कर दिया है, नहीं समझ पाए कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये फिजियोलॉजी क्वेश्चन है। इन 24 आवर्स द फिल्ट्रेट इन ह्यूमन किडनी इज अप्रोक्सीमेटली, तो कितना फिल्टर करता है, तो 180 लीटर, कितना फिल्टर करता है, 180 लीटर, ध्यान रखिएगा। द स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मॉथ विच इज यूजफुल इन द प्रोक्रमेंट ऑफ सिल्क इज, तो बताएगा, तो ऑप्शन इसका सी सही है, प्यूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन ए हनी बी कॉलोनी ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अनफर्टिलाइज एग, तो ऑप्शन सी सही है। देखिए जो फर्टिलाइजेशन दो निकलते हैं, स्टराइल फीमेल्स निकलती हैं जो वर्कर्स होती हैं, और वो जो बोल सकते हैं रॉयल जेली को जो खा लेती है फीमेल्स, वो क्यून बन जाती है। पायरिला इज ए पेस्ट ऑफ, पायरिला किसका पेस्ट है, तो वो पायरिला किसका है, सुगर केन का, ध्यान रखना। पायरिला गन्ने का कीट है जो लीफ हॉपर कहते हैं, ये एक प्रकार का पंख वाला कीट है जो पौधे की पत्तियों का रस चूसता है, ये कृषि के लिए हानिकारक कीट है, खासकर गन्ने की खेती के लिए भारी नुकसान पहुंचाता है। पीजीटी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज ऑप्टेन फ्रॉम द हनीबीज, हनीबी से क्या निकलता, कैंडल वैक्स और सेलेक और सीलिंग वैक्स, तो इसमें से क्या है, प्रोडक्ट इज ऑप्टेन फ्रॉम हनी, मधुमक्खी से बी वैक्स का प्रयोग, मोमबत्ती, शौचालय के सामान, टॉयलेट्स गुड चमकाने, बिजली के सामान, कार्बन पेपर व कॉस्मेटिक बनाने के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस पल्स इन इंडिया, तो पिनकडाडा वल्गेरिस है, और ये क्वेश्चन दसवीं बार आया है आपके, खासकर यूपी के पीजीटी और टीजीटी में, यहां पिनकडाडा वल्गेरिस, ध्यान रखिएगा। मलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली प्रयोग आती है, ये भी पीजीटी का एक पेट क्वेश्चन है, तो इसमें से ये बी नंबर है, गैम्बूसिया बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हनी बी कॉलोनी द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो वो अनफर्टिलाइज एक से आता है, देखिए ये टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन, अभी हम अभी इससे पहले कर चुके हैं। व्हाट इज द एपिकल्चर्स, एपिकल्चर्स में क्या होता है, तो इसमें हम मधुमक्खी का पालन करते हैं, और लाक कल्चर को, और एक्वा कल्चर और प्रॉन कल्चर, झींगा मछली।
ओस्टर से मोती किसके चारों ओर बनता है, ये बहुत क्वेश्चन बनता है। तो इसमें क्या बनता है, मत्स्य कन्या के अंश ओस्टर प्रयोग करने से विशेष मार्ग वर्ष भूंद ओस्टर के अंडे से जो बाहर निकलता है किसी बाहरी वस्तु के चारों ओर ओस्टर की त्वचा धंसती है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा सही होगा, डी। टॉक्सिसिटी पेस्टिसाइड इज कैलकुलेटेड एट कीटनाशी की विषालुकता की गणना किस रूप में की जाती है, ये अभी 2019 में भी क्वेश्चन आया है। तो किस रूप में की जाती है, LD50 के रूप में। किसके, LD50, ध्यान रखने का। कीटनाशी की विषालुकता की गणना LD50 के रूप में की जाती है। LD50 लेथल डोज 50% या मिडिल लीथल डोज का संक्षिप्त नाम है, लीथल डोज बोलते हैं। यह पदार्थ की आवश्यकता आमतौर पर शरीर के वजन के अनुसार की राशि परीक्षण आबादी पर 50% मार सकता है, इस तरह इसकी गणना करते हैं। टसर सिल्क ऑप्टेन फ्रॉम, तो टसर सिल्क किससे ऑप्टेन किया जाता है तो बताएगा, तो एंथेरिया पैफिया से, किससे, एंथेरिया पैफिरिया से किया जाता है। ये पीजीटी बायोलॉजी 2011 में आया। देखिए हमने आपको जो ऊपर बताया था, टसर सिल्क एंथेरिया पैफिया से प्राप्त किया जाता है। यह रेशम की कीट की जाती है जो चीन भारत श्रीलंका आदि देशों में पाई जाती है। इसके कैटरपिलर लार्वी अंजीर ओक साल बेर की पत्तियों का सेवन करते हैं। इसके कोकून पीले भूरे लाल रंग के होते हैं जिनसे भूरे रंग का रेशम प्राप्त होता है। चीनी रेशम कीट मालवेरी सिल्कवर्म बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है। मूंगा जो रेशम कीट होता है वो एंथेरिया आसमा से प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोफिलस ओराइजी को सामान्यता कहते हैं, साइटोफिलस ओराइजी को कॉमनली कहते हैं तो क्या बोलते हैं, राइस बीटल कहते हैं। क्या बोलते हैं, राइस बीटल, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पीजीटी बायोलॉजी 2011। अभी हमने ये क्वेश्चन ऊपर आए हैं और हमने ये बार बार आपसे कहा था कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ आपको दिख भी रहे हैं, द रॉ लॉक ऑप्टेन फ्रॉम द ट्विंग ऑफ ट्विंग ऑफ होस्ट प्लांट इज कॉल्ड, पोषक पौधे की टहनियों से प्राप्त कच्ची लाख को कहते हैं तो स्लैग कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लैग। ये देखिए ऊपर आया था क्वेश्चन, अगर अभी इससे पहले हमारा पहला वाला वीडियो देखेंगे इसी का देखेंगे, वहां ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जो लड़के सिलेक्शन होता है वो ऐसे ही जिन लोगों ने पढ़ा होता है तो 10-20-25-30-40 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाते हैं। वर्कर सनी भी सोसाइटी या मधुमक्खी समाज में श्रमिक होते हैं तो कैसे होते हैं, बंद मदा होते मादा होती हैं, स्टराइल फीमेल्स होती हैं। तो ऑप्शन सी सही है। अभी देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन किया था और ये आप ध्यान रखिएगा, फर्टाइल मेल्स फर्टाइल फीमेल्स। लाइक इज प्रोड्यूस्ड, जो लाक होती है वो प्रोड्यूस्ड होती है केवल नर द्वारा केवल मादा कीट द्वारा, और तो ये किससे होती है, मादा कीट द्वारा अधिक और नर कीट द्वारा कम, ये आप ध्यान रखिएगा, मादा कीट द्वारा ज्यादा और नर कीट द्वारा कम। टाइम्स टेकन बिकम एडल्ट टू द क्यून वर्कर ड्रोन एपिस इंडिका। देखिए अभी इससे पहले हमने आपसे क्वेश्चन बताया था और ये देखिए सेम क्वेश्चन 2009 में आया है, वहां 2004 में यूपीपीएससी में पूछा गया था। देखिए यहाँ क्वेश्चन रखा है कि नहीं, जो हमारे मित्र उस समय वो पेपर सॉल्व किए होंगे वो क्वेश्चन करके आएंगे सही। तो ऑप्शन ए सही है, 16 दिन 21 दिन 24 दिन। वर्कर को वयस्क बनने में 21 दिन लगते हैं और रानी को वयस्क बनने में 16 दिन और जो ड्रोन होता है सो 24 दिन। टसर सिल्क इज टसर कीट है, तो टसर कीट क्या है, अभी हमने आपको बताया था एंथेरिया माइलिटा को टसर कीट बोलते हैं, पीजीटी 2009, अभी इससे पहले हमने इस पर डिस्कस किया गया था और ये क्वेश्चन भी देखिए उससे पहले हमने डिस्कस किया था। ये दिखा रहा है नीचे दिए गए रोगों की सूची का अवलोकन करें, मलेरिया अमीबियाई पेचिस डेंगू बुखार पीत ज्वर पील पाव हैजा तपेदिक मच्छरों व घरेलू मक्खी के द्वारा फैलाई गई बीमारियां हैं। तो इनमें से कितने मच्छर के द्वारा फैलाए थे, कितने उसके द्वारा, तो देखिए इनमें से मलेरिया तो मच्छर के द्वारा, अमीबियाई जो पेचिस होती है वो मक्खी के द्वारा, डेंगू बुखार मच्छी के द्वारा, पीत ज्वर सॉरी डेंगू जो फीवर है मच्छर के द्वारा, पीत ज्वर मच्छर के द्वारा, पील पाव मच्छर के द्वारा, हैजा जो है वो मक्खी के द्वारा, तपेदिक भी मक्खी के द्वारा फैल सकता है। तो आप उसको गिन के आप अपना कर लीजिएगा। पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज, तो पिनकडाडा वल्गेरिस, देखिए अभी इससे पहले क्वेश्चन आया है, ये तीसरी बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है पिनकडाडा वल्गेरिस। नेक्स्ट है सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क मॉथ इज मॉडिफाइड ऑफ, सिल्क मॉथ की सिल्क ग्रंथि किसका मॉडिफाइड होती है, मशरूम ग्रंथि का कोलेटरल ग्रंथि का,
या सलेवरी ग्लैंड का या एनल ग्लैंड का, तो वो सलेवरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है, ध्यान रखिएगा। सिल्क ग्लैंड आर मॉडिफाइड, देखिए सेम क्वेश्चन 2003 2005 में पूछा गया, तो सिल्क ग्लैंड सलेवरी ग्लैंड का मॉडिफाइड होता है। द स्पिनेरेट्स ऑफ स्पाइडर्स व्हिच द सीक्रेट द सिल्क एंड थ्रेड्स फॉर द मेकिंग द वेब आर सिचुएटेड, मकड़ी की तंतु ग्रंथियां जो जाल को बुनने हेतु रेशमी धागे का श्रावण करती हैं स्थित होती हैं, तो वो कहां स्थित होती हैं, तो वो एनस के अग्रभाग में, एंटीरियर ऑफ द एनस, एनस के अग्रभाग पर स्थित होती हैं। इसीलिए देखना मकड़ी जब जाल बनाती तो उल्टा लटकती है और नीचे चलती रहती है। फ्रॉम द एंथेरिया आसमा इज ऑप्टेन, एंथेरी आसमा से प्राप्त होता है एरी रेशम, तसर रेशम, मालवरी रेशम, मूंगा रेशम, तो कौन सा प्राप्त होता है, तो इससे मूंगा रेशम प्राप्त होता है। एंथेरिया ऑस्मिया जो अभी है आसमा, ये बॉम्बे सॉरी ऑस्मा मूंगा रेशम भारत और चीन में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग ऑफ द सिल्क वर्म इंक्लूड्स, पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग ऑफ द सिल्क वर्म इंक्लूड्स, निर्माण के बाद रेशम कीटों का प्रसंस्करण शामिल है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बी स्टिफलिंग। क्या बोलते हैं, स्टिफलिंग बोलते हैं। रेशम कीट का लार्वा अपने चारों ओर एक ही लंबे धागे का खोल बना लेता है जिसे कोया कहते हैं। वायु के संपर्क में आकर यह सूख जाता है, बाद में रेशमी धागे बन जाते हैं। कोकून नष्ट करके धागा निकालने की प्रक्रिया को स्टिफलिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिफलिंग। केमिकल नेचर ऑफ सिल्क इज, तो वो कैसा होता है, तो वो हम आपको बता दें, वो प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। पर्ल आर ऑप्टेन फ्रॉम मोती, किससे प्राप्त किया था, पिंकडाडा वल्गेरिस, तो ये देखिए राजस्थान पीएसएम भी पूछा गया, पीजीटी बायोलॉजी 2015। ये क्वेश्चन आपको देखिए, हमने कहा था कि 20 तक बार आया है और आप यहां देख रहे हैं कि बार बार क्वेश्चन वो आपको जहन में आ रहा है। मूंगा सिल्क इज ऑप्टेन फ्रॉम द कोकूनिस, मूंगा सिल्क किससे प्राप्त की जाती है, तो मूंगा सिल्क प्राप्त किया जाता है ऑप्शन डी एंथेरिया आसमा से। फेरोमोन्स इन सिल्क मॉथ सर्व एज स्टिमुलेटर ऑफ, रेशम कीट में फेरोमोन्स प्रेरित करते हैं, तो किसको प्रेरित करते हैं, ये आप देखेगा चारों ऑप्शन, हमें सही ऑप्शन कमेंट्स कर बताइएगा। इसी के साथ नमस्कार।